आप तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, आदरणीय बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, माताओं बहनों का, खेती करके, किसानी करके, दुकान चला करके, व्यापार करके, नौकरी करके, मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले आप तमाम मेहनत का सावाम का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आपसे दो चार बातें कहूंगा क्योंकि ये मौका है पार्टी के स्थापना दिवस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस का। उससे पहले मैं मंच पे मौजूद अपने सभी आदरणीय नेताओं का और मैं खास करके जीशान को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जीशान भाई मेरे से पहले आए और सभी नेताओं का नाम लेकर के स्वागत कर दिया है। तो मैं इकट्ठे आप तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं, आपको धन्यवाद करता हूं। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं मुंबई कांग्रेस के हमारे तमाम पदाधिकारियों का कि इस खास मौके पर उन्होंने मुंबई आने का मौका दिया है, क्योंकि हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो इतिहास की किताब में पढ़ाया जाता था कि 28 दिसंबर को 1885 में, उस समय बंबई कहा जाता था, बंबई में 72 डेलीगेट्स आए थे पहला पार्टी अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 लोग आए थे, ओनली 72। और इसी शहर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश के इतिहास में अपना योगदान शुरू की। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि आधुनिक भारत का आधार अगर कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। आज जब मैं अपने देश भर के जुझारू कार्यकर्ताओं को पार्टी स्थापना दिवस की, अपने देशवासियों को पार्टी स्थापना दिवस की बधाइयां दे रहा था तो मेरा भाजपा का एक दोस्त हमको बोला कि भाई इस पार्टी को तो एओ ह्यूम ने बनाया था। हमने कहा सुनो ना, तुम्हारे घर में जो बल्ब जलता है ना उसको भी किसी अंग्रेज बनाया है, फोड़ के फेंक दो उसको। मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं और ये एक एक कार्यकर्ताओं को जानने के लिए जरूरी है कि विज्ञान का कोई देश नहीं होता है, ज्ञान का कोई देश नहीं होता है, विज्ञान और देश सार्वभौमिक होता है, वर्ल्ड वाइड होता है, इस बात को याद रखिएगा। और जो 1885 में पार्टी बनी उस पार्टी को नया स्वरूप और नया कलेवर अगर किसी ने दिया तो 1920 के बाद उस महान इंसान का नाम महात्मा गांधी है, इस बात को याद रखिएगा। और आज हम जिस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा बुलंद कर रहे हैं, जिसके बारे में हमारे युवा आमदार जीशान ने कहा, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महात्मा गांधी के विचारों पर चलने वाली कांग्रेस है, जो कहते थे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। और हमको गर्व है इस बात का कि 1885 में बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, मौलाना अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में और सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में वो पार्टी पूर्ण स्वराज का मांग करती है। और वो कहती है आधी अधूरी आजादी नहीं चाहिए, आजादी चाहिए तो पूरी आजादी चाहिए। और हमें गर्व है कि वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 15 अगस्त 1947 को देश को अंग्रेजों से आजाद कराती है। और देश जब अंग्रेजों से आजाद हुआ, पूरा देश जब आजादी का जश्न मना रहा था, उस जश्न के साथ इस देश के लोग रो रहे थे, इस बात को भी याद रखिएगा। इस देश के लोग रो रहे थे क्योंकि उस वक्त भी वही राजनीति हुई
जिस राजनीति को हम 2014 से इस देश में देख रहे हैं, वही राजनीति हुई जो 2014 से आपके व्हाट्सएप पे आ रहा है। एक तरफ मुस्लिम लीग थी और मुस्लिम लीग के नेताओं ने कहा कि दो अलग अलग धर्म के लोग इस देश में एक साथ नहीं रह सकते हैं। दूसरी तरफ हिंदू महासभा थी जिसने कहा कि दो अलग अलग धर्म के लोग साथ में नहीं रह सकते हैं। लेकिन इतिहास याद रखिएगा, बड़े शर्म की बात है कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग साथ में मिलकर के सरकार बना ली थी, इस बात को याद रखिएगा। यह बात आज जब हम पार्टी की स्थापना दिवस मना रहे हैं तो एक एक कार्यकर्ताओं को याद रखने की जरूरत है कि जो आजादी 15 अगस्त 1947 को इस देश को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिलाया है, उस आजादी को अगर कोई बचा सकता है, जिस सपने को महात्मा गांधी ने इस देश में देखा है, उस सपने को अगर कोई बचा सकता है तो उस पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और उस नेता का नाम राहुल गांधी है। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा। जब मैं छोटा था तो मैं अपनी दादी से यह सवाल पूछता था कि दादी ये बताओ, देश जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था तो दादाजी क्या कर रहे थे? तो मेरी दादी कहती थी, बेटा गरीब लोगों के लिए रोजी रोटी प्राप्त करना आजादी प्राप्त करने से कम नहीं होता है, इस बात को याद रखना। जो साधारण लोग होते हैं अपने रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, अपने रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, लेकिन देश जब परिवर्तन की ओर उन्मुख हो, देश में जब कोई बदलाव हो रहा हो, तो उस बदलाव में शामिल होना सौभाग्य की बात होती है। मैं अपने सेवा दल के कुछ साथियों को यहां खड़ा देख रहा हूं, आप लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। यह सिर्फ वर्तमान की बात नहीं है, यह इतिहास है और यह इस देश का भविष्य तय करने वाला है, इस बात को याद रखिएगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दो तरह के विचार के लोग इस देश में रह रहे हैं। एक वो हैं जो इंसान को आपस में बांटना चाहते हैं, एक वो हैं जो नफरत की भाषा बोल रहे हैं, एक वो हैं जो इंसान को आपस में उनकी पहचान के आधार पर लड़ा रहे हैं, एक वो हैं जो इस देश के लोगों का रोजी रोटी छीन करके अपने दोस्तों की तिजोरियों में भर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जिसको इस देश के लोगों को जोड़ करके रखना है, उनके बीच में मोहब्बत का पैगाम और संदेशा लेकर के जाना है, उनको इस बात को इंश्योर करना है कि इस देश के भीतर सबके लिए रोजी रोटी का इंतजाम होगा। यह देश सबका है, सिर्फ प्रधानमंत्री के दोस्त का नहीं है, इस बात का हमको संघर्ष करना पड़ेगा। इसीलिए जब आज हमारे सामने दो तरह के विचार है, एक तरफ वो लोग हैं जो नफरत की भाषा बोल रहे हैं तो दूसरी तरफ हम तमाम लोगों को मोहब्बत की भाषा बोलनी पड़ेगी। एक तरफ वो लोग हैं जो दंगा फैलाने की बात कर रहे हैं, हिंसा करने की बात कर रहे हैं, तो हमको आपस में मिलजुल करके एकजुट होकर के रहने की जरूरत है। और आप लोगों ने देखा होगा, एक सांसद हैं भोपाल की, सुना है नहीं सुना है, मैं उनको साध्वी नहीं बोलता हूं क्योंकि साध्वी की भाषा में ना हिंसा नहीं होती है। जो सन्यासी होता है वो नफरत की बात नहीं करता है, जो सन्यासी होगा वो नफरत की बात नहीं करेगा और जो नफरत की बात करेगा वो सन्यासी नहीं हो सकता है, इस बात को याद रखिएगा। तो वो जो सांसद हैं उन्होंने हिंसा की बात की, तो मुझे इसमें ना एक जो है साजिश दिखाई देता है। साजिश जानते हैं क्या है? वो सांसद महोदया एक्चुअली जया शाह के पापा का मजाक उड़ा रहे थे। जया शाह के पापा का मजाक कैसे उड़ा रहे थे? देश का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है ना, तो कानून व्यवस्था का पालन करना किसका काम है? अमित शाह का। तो साध्वी ये कह रही थी कि अमित शाह निकम्मा है इसीलिए अपने घर में चाकू तेज कर लिए, यही कह रही थी ना। उस बयान का यह भी मतलब तो निकाला जा सकता है कि आप इस देश के बहुसंख्यकों को डरा रहे हैं और आप यह बता रहे हैं कि जया शाह का पप्पा किसी काम का नहीं है इसीलिए अपने घर में चाकू तेज कर लीजिए। यह बात आपको ठीक लगती है? यहां पुलिस के लोग वर्दी पहन करके खड़े हैं क्या मैडम?
हम ही लोग चाकू तेज कर लें तो आप लोग क्या कीजिएगा? उत्तर प्रदेश पुलिस की तरह मुंह से ही ठाई ठाई कीजिएगा? क्या कीजिएगा बताइए? बताइए इस देश की सिक्योरिटी फोर्सेस क्या करेगी? बताइए इस देश की पुलिस क्या करेगी? बताइए इस देश की न्यायपालिका क्या करेगी? बताइए इस देश की अदालतों में क्या होगा? बताइए इस देश में कानून व्यवस्था का क्या होगा? अगर हमको अपने घर में चाकू तेज करना है तो फिर गृह मंत्री किस लिए है? अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाने के लिए किस लिए है गृह मंत्री? किस लिए है रक्षा मंत्री? इस सवाल को अपने मन में पूछिए, और इस सवाल को जब आप अपने मन में पूछेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यह नफरत की भाषा क्यों बोली जाती है। यह नफरत की भाषा इसलिए बोली जाती है ताकि हम आपस में लड़ने लगें, और जब हम आपस में लड़ने लगेंगे तो हमारा रेलवे बेच करके अपने दोस्त की तिजोरी में साहब पहुंचा देंगे। साहब ने कहा कि हम ट्रेन के डब्बे में चाय बेचते थे। गुरु, हम आपको चाय बेचते हुए तो नहीं देखे हैं, लेकिन रेलवे बेचते हुए आपको देख रहे हैं। गुरु, हम आपको चाय बेचते हुए तो नहीं देखे हैं, लेकिन बीएसएनएल बेचते हुए देख रहे हैं। गुरु, हम आपको चाय बेचते हुए नहीं देखे हैं, लेकिन एलआईसी बेचते हुए देख रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? और अगर कोई चाय बेचने वाला होता तो दूध का दाम बढ़ाता क्या? मैं मोदी जी की तरफ पूछूं क्या? अगर कोई चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री होता तो जब नया साल आने वाला है तो 2 रुपया दूध महंगा किया जाता क्या? दूध से इनका नाता नहीं है, चीनियों से जरूर है। दूध से नाता हो ना हो, चीनी से जरूर है। और यह बात मैं क्यों बोल रहा हूं? पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई हमारे यहां आ गया, गलत किया। पूरी तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चाइना का विरोध करती है, उसकी निंदा करती है कि चाइना को कोई अधिकार नहीं है को हमारी सीमा में घुसे। और अगर घुसेंगे तो हमको अपने देश के जवानों पे भरोसा है। हमारे घर में लोग फौज की नौकरी करते हैं, इसीलिए हमको पता है। अरे, जूता नहीं भी होगा ना तो हौसलों से उनका मुकाबला करेंगे, यह बात हम जानते हैं। लेकिन कुछ निकम्मे लोग हैं कि बड़ी चालाकी से वर्दी के पीछे छुप जाते हैं। कभी वर्दी को बदनाम कर देते हैं, कभी वर्दी के पीछे छुप जाते हैं। जब प्रज्ञा बोल रही थी चाकू तेज कर लीजिए, तब वर्दी को बदनाम कर रही थी, पुलिस वालों का मजाक उड़ा रही थी। और जब सरकार से सवाल पूछा गया तो वर्दी के पीछे छुप गए। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि विपक्ष होने के नाते हम सरकार से सवाल पूछते हैं, और सरकार से सवाल पूछना सेना का अपमान करना नहीं होता है। सरकार ये जवाब दे कि प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि ना कोई आया था ना कोई आया है, तो हमारे जवान घायल कैसे हुए, इस सवाल का जवाब रक्षा मंत्री को देना चाहिए। दोस्तों, हम एक गंभीर परिस्थिति से गुजर रहे हैं, इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिस तरीके से मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रही है, हमारे एक एक कार्यकर्ताओं को इस देश के एक एक घर तक पहुंचना पड़ेगा। और जो हमारी विचारधारा है, वैष्णव जनते तेने कहिए पीड़ पड़ाई जाने दे। वैष्णव होने का मतलब होता है दूसरे के दुख दर्द में शामिल होना। और आज इस देश का दुख दर्द क्या है? दुख दर्द यह है कि जीएसटी और नोटबंदी के चलते इस देश के व्यापार को तबाह कर दिया गया है। दुख दर्द यह है कि 100 में से 45 लोग बेरोजगार होकर के घूम रहे हैं। दर्द यह है कि हर 15वें 16वें मिनट में हमारी किसी महिला के साथ कोई अत्याचार होता है। दर्द यह है कि शोषितों वंचितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। दर्द यह है कि दिन भर ये साहब क्या भाऊ लाठी लेकर के ड्यूटी करते हैं, बुढ़ापा में पेंशन नहीं मिलेगा तो आपको सुरक्षा मिलेगी? दर्द यह है कि जो लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं सरकार की नौकरी करने के लिए, उनका पेंशन बंद कर दिया गया है। यह इस देश का बुनियादी सवाल है। इस देश का बुनियादी सवाल रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी का सवाल है। इसीलिए हम आपसे यह अंतिम आग्रह करना चाहते हैं
कि जब तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है तब तक इस देश के ऊपर गोडसे की विचारधारा नहीं थोपी जा सकती है, इंसान को इंसान से नहीं लड़ाया जा सकता है, इंसान को इंसान से नहीं बांटा जा सकता है। इसीलिए हमको अपने देश के बुनियादी सवालों पे बात करना है, और बुनियादी सवाल पे बात हो इसके लिए जरूरी है कि नफरत की भाषा जो बोलने वाले लोग हैं हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे, समाज को जो बांटने वाले लोग हैं हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे। इसीलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि व्हाट्सएप मैसेज पे मत जाइए, टीवी जो आपको दिन रात दिखाता है उस पे भरोसा मत कीजिए। सच्चाई ये है कि सरकार कुछ भी भाषण दे दे, महंगाई से इस देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूट रही है। सच्चाई ये है कि नौकरियों के नहीं चलते, अकेले रेलवे में 2.5 लाख पोस्ट खाली है, नौकरियों में भर्तियां नहीं होने के चलते नौजवानों के सपने टूट रहे हैं, जीएसटी और नोटबंदी के चलते व्यापारियों की कमर टूट रही है। यह जो देश का सपना टूट रहा है उस टूटे हुए सपने को जोड़ने का नाम है भारत जोड़ो यात्रा है, इस बात को याद रखिएगा। और यह भारत जोड़ो यात्रा अपने मुहिम में सफल होगा जब हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हमको आजादी दिलाई है उस आजादी को बचाने के लिए संघर्षरत रहते हैं। हमको ये याद रखना पड़ेगा कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमको बराबरी का संविधान दिया है, और यह जो बराबरी का संविधान है जब तक यह संविधान जिंदा रहेगा तब तक हिंदू और मुसलमान को आपस में कोई लड़ा नहीं सकता है, इस देश को कोई मिटा नहीं सकता, इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए संविधान की रक्षा करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचारों को जनता के बीच में लेकर जाने के लिए और जनता के जो सवाल हैं रोजी रोटी कपड़ा मकान का सवाल उस पर ईमानदारी से लड़ने के लिए मैं आप तमाम लोगों को बधाई देता हूं, शुक्रिया देता हूं। और एक बार फिर से आप सब लोग पार्टी स्थापना दिवस में शामिल हुए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करके अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।